दोस्तों, आईपीएल साल 2022 का सीजन शुरू होने में अब काफ़ी कम समय रह गया है और डेडलाइन भी नज़दीक आती जा रही है। लखनऊ और अहमदाबाद इन दोनों ही टीमों के लिए अपने तीन तीन प्लेयर्स के लिए चुनाव करने की जो स्पेशल प्रोसेस ड्राफ्ट की लिस्ट है, हम टेलीग्राम के ऊपर डालते रहते हैं पल पल की खबरें इन दोनों ही टीमों ने किन तीन प्लेयर्स को लिया। टेलीग्राम पर आप देख सकते हो। बात करेंगे आज हम टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आ रही है, जो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान इन अपडेट्स के चलते होने वाला है, खासकर नए कप्तान और डेविड वॉर्नर के बीच किसका चुनाव होता है, केकेआर मैनेजमेंट में क्या होता है, सब बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों, मैं आपको इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा। इनका नाम है रेडी अन्ना और ये साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आप 160 प्लस गेम्स खेल सकते हो। इनके पास 15 प्लस साइट्स हैं और 100 ब्रांचेस से भी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। 24/7 का विड्रॉल आपको यहाँ मिल जाता है। आप इनको व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हो। साथ ही साथ नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ आप काफ़ी सारी डिटेल्स जान सकते हो। इसके अलावा पेमेंट प्रूफ भी आपको वहाँ मिल जाएगा, तो अभी जाके ज्वाइन कर लो रेडी अन्ना को। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल एडिशन के अंदर एक बहुत ही मजबूत टीम बन के सामने नजर आई है, बट इस मजबूत टीम के लिए कप्तान एक मजबूत होना बहुत अनिवार्य है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ साल 2022 के लिए टीम केकेआर का कप्तान आपकी नज़रों में कौन होना चाहिए। खैर, टॉप अपडेट्स की अगर बात करें तो पहले अपडेट आ रही है वेंकटेश अय्यर को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों, आप सभी को पता होगा वेंकटेश अय्यर अब हमें लाइमलाइट के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि जब से केकेआर ने इनको रिटेन किया और केकेआर के लिए अच्छी परफॉर्मेंस ये दे रहे हैं, तो केकेआर इनको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट खुद से ही कर रहा है, चाहे सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज हो चाहे पोस्ट हो। वहीं रिसेंटली वेंकटेश अय्यर भी काफ़ी बड़े स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं। रिसेंटली अभी उनकी साउथ अफ्रीका के साथ ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है भारत की, जिसके अंदर वो हमें खेलते देखने को मिलेंगे। खैर दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, वेंकटेश अय्यर ने रिसेंटली केकेआर की तारीफ में एक स्टेटमेंट दिया है, जहां उन्होंने बताया है कि आईपीएल साल 2021 का जो मेगा ऑक्शन यानी जो मिनी ऑक्शन था, उसके अंदर दोस्तों वो दो राउंड तक अनसोल्ड हो गए थे। इसके बाद उनको बहुत बुरा फील आ रहा था, बट फाइनली जो लास्ट राउंड था उसके अंदर उनको केकेआर ने परचेस कर लिया और केकेआर ने वहां से परचेस किया और उसके बाद ही उनकी किस्मत बदली है, वो इंडिया में आए हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो आज शायद कोई भी उनको नहीं जानता। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको क्या लगता है वेंकटेश अय्यर आपकी नज़रों के अंदर आईपीएल साल 2022 के अंदर केकेआर में कौन से नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने चाहिए। अगली अपडेट निकल के आ रही है नए कप्तान को लेकर। यहाँ दोस्तों, समय गुजरता जा रहा है, मेगा ऑक्शन बहुत ही नज़दीक आता जा रहा है। यहाँ र्यूमर्स काफ़ी सारे चल रहे हैं कि कप्तान ये होगा, कप्तान वो होगा, ये खिलाड़ी टीम में आएगा, वो खिलाड़ी टीम में आएगा। और यहाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से यही चर्चाओं के अंदर खबर थी कि श्रेयस अय्यर टीम केकेआर में आने वाले हैं। ये रिपोर्ट कंफर्म है कि श्रेयस अय्यर केकेआर में आएंगे, बातचीत हो चुकी है। बट मैं जैसा कि आपको बताता आ रहा हूँ, मेगा ऑक्शन दोस्तों एक ऐसी पहेली है जहाँ पर जो भी प्लेयर के ऊपर ज़्यादा पैसे लगाएगा वो उस प्लेयर को खरीद लेगा। 12 से 15 करोड़ रुपये कप्तान बनाने के लिए, एक भारतीय कप्तान बनाने के लिए केकेआर श्रेयस अय्यर को देने वाला है। तो आप कमेंट करके जरूर बताओ श्रेयस अय्यर आईपीएल साल 2022 केकेआर के कप्तान सुनने में कैसा लग रहा है। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है डेविड वॉर्नर को लेकर। तो अगर श्रेयस अय्यर टीम केकेआर के कप्तान बनते हैं तो डेविड वॉर्नर का क्या होगा? केकेआर उनको अभी भी लेना चाहता है अपनी टीम के अंदर, बट यह बहुत रिस्की है डेविड वॉर्नर को लेना। अगर श्रेयस अय्यर को ले लेते हैं, श्रेयस अय्यर खुद 12-15 करोड़ रुपये में आएंगे और यहाँ डेविड वॉर्नर वो खुद भी 10 से 15 करोड़ के बड़े पर्स मनी पर आएंगे, तो ये बहुत रिस्की होने वाला है केकेआर के लिए अगर ये दोनों के लिए जाती है। देखते हैं दोनों के लिए जाती है, एक के लिए जाती है। खैर, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। तो यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।